शीर्षक है, सुनो पांचाली। अपनी अस्मिता को बार बार खंडित करती, अपमान के घूंट पीती पंचाली, बताओ तुम्हें क्या कहकर पुकारूं। अपनी अस्मिता को बार बार खंडित करती, अपमान के घूंट पीती पांचाली, बताओ तुम्हें क्या कहकर पुकारूं। सती द्रौपदी या एक अबला नारी, सती द्रौपदी या एक अबला नारी, सिर्फ पार्थ को वरमाला पहना कर भी प्रसाद की तरह अपने को पांच भाइयों में बढ़ जाने दिया। सिर्फ पार्थ को वरमाला पहना कर भी प्रसाद की तरह अपने को पांच भाइयों में बढ़ जाने दिया। माँ ने कहा था कुछ लाए हो तो पांच, और पांच पतियों का बोझ स्वयं पर लाद लिया। यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न यज्ञ से नहीं, तुम में साहस क्यों नहीं था इस घिनौने प्रस्ताव को ठुकराने का। यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न यज्ञ से नहीं, तुम में साहस क्यों नहीं था इस घिनौने प्रस्ताव को ठुकराने का। क्या यह मात्र अर्जुन से बंधे रहने की दुराशा थी, या फिर अविवाहित रह जाने का अंदेशा। एक बार जिसकी शादी हो गई उसके फिर शादी होने में पर तकलीफ होती है, या फिर अविवाहित रह जाने का अंदेशा, या फिर यूं कहूं कि युधिष्ठिर की पत्नी बन महारानी बनने की आकांक्षा, नारी को भोग्या मानने की नींव शायद तुम्हें डाली थी, दुर्योधन को अंधे का बेटा अंधा कहना तुम्हारा छिछोरापन था, महारानी की गरिमा क्या यह तो साधारण नारी का विवेक भी नहीं था, दुशासन द्वारा लज्जित प्रताड़ित होती रही, मांगती रही दया की भीख अपने सखा से, सखा कौन थे आप सब जानते हैं, मांगती रही दया की भीख अपने सखा से, किंतु एक बार भी ललकारा नहीं अपने सिर झुकाए बैठे पांच वीर पतियों को, और अबला का प्रतिमान बल बिक गई वस्तु भी बनी रही, घोर आश्चर्य उन्हीं पतियों का चाहकर संग साथ, चली गई वन में उनके साथ, सोचा तक नहीं जो कर न सके रक्षा तुम्हारी यहाँ, वो क्या सम्मान बचाते तुम्हारा वहाँ। जयद्रथ का निर्लज व्यवहार आपको शायद पता हो, भी जयद्रथ ने ऐसा उसके साथ थोड़ा सा मिसबिहेव जिसको कह सकते हैं, जयद्रथ का निर्लज व्यवहार द्रौपदी से सुनकर भी मौन रहे धर्मराज, क्योंकि पत्नी के अपमान पर बहनोई से रिश्ता पड़ा भारी, धर्मराज जानती हो न तुम पांच पतियों की प्यारी, धर्मराज तुम्हें नहीं अपने श्वान को ले गए थे स्वर्ग अपने साथ, भीम को मोह लिया हिडिंबा ने, जिसके कारण तुमने पांच पतियों से शादी की है, और सुभद्रा अर्जुन की प्रियतमा हुई, दुश्वार है आज की नारी के लिए तुम्हें सती का नाम देना और मान देना, तो यह मेरी कविता थी। बेटियां है तो सब कुछ है, इन्हें बचाओ इन्हें पढ़ाओ अपना ये कर्तव्य निभाओ, बिना देव की कैसे संभव, मुरली मनोहर कावता कौशल्या की गोदी खेले सीता के वरदान, 100-100 कौरों पर भारी कुंती पुत्रों के वार,
अभिमन्यु ने गर्भ में जाना चक्रव्यूह का द्वार। बेटियां है तो सब कुछ है, बेटा घर की आन बान तो बेटी है गुमान। बेटा वंश का चालक है तो बेटी अंश की धारक है। बेटा खुद का दीपक है, बेटी दो फूलों की तारक है। मंदिर में पूजित देवी की कब्र कोख में बन जाती। लिंग परीक्षण वेदी पर मासूम बलि पर चढ़ जाती। बेटियां हैं तो सब कुछ है, एक बेटी ने पाई शिक्षा होता परिवार है शिक्षित। गांधी बापू का ये नारा शिक्षा को करता ना सीमित। बेटियों की कहानियां इतिहास हमें सुनाता है। दुर्गावती लक्ष्मी बाई जौहर वाली पद्मावती। गार्गी अरुंधति हुई अंतर ना हो बेटे बेटी में। बेटियां है तो सब कुछ है, जान बची तो लाखों पाए। ये कथन पुराना है, बेटी को सबसे पहले अपनों से ही बचाना है। दरिंदों के खूनी पंजों से कलियों को छुड़ाना है। निर्भया या कोई दामिनी, एलीना या कोई शिवानी, प्रियंका या ट्विंकल रानी। रहे सुरक्षित सभी बेटियां, इनकी बगियां महकाना है। बेटियां है तो सब कुछ है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.